नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे 69,000 MRC को लेकर के जो विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी, और फिर हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों से बताया था कि 5 तारीख को यानी कि आज पूरे प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो लखनऊ पहुंच रहे हैं, और जो भी विद्यार्थी लखनऊ के आसपास की हों अगर वो चाहते हैं कि इस साल भर्ती आए, तो वो भी विद्यार्थी NCERT लखनऊ पहुंचे और वहां पर इन विद्यार्थियों का साथ दें। आज सुबह से ही बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वहां पहुंच गए थे। विद्यार्थी पहले SCERT और फिर विधानसभा तरफ विद्यार्थी जाने लगे, और जैसा कि हमेशा से होता है, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे वो लखनऊ हो, और अगर विद्यार्थी इको गार्डन के बाहर कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं तो विद्यार्थियों को उठा करके बसों में भर करके पुलिस सीधे इको गार्डन में फेंक देती है। वही आज भी इन विद्यार्थियों के साथ में हुआ। ये विद्यार्थी बेचारे शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगे मान रहे थे। विद्यार्थियों ने इसके पहले भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी, तब विद्यार्थियों ने अपने धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाया। उसके बाद में फिर पुलिस से झड़प हुई। इनको अपनी वैन में बिठा ली, और वैन में बिठाने के बाद में इन विद्यार्थियों को सीधे इको गार्डन की तरफ ले जाया गया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि पूरे प्रदेश को ये बात पता चले, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे वो विद्यार्थी ना हो, लेकिन विद्यार्थियों की बात जो है वो पूरे प्रदेश के सभी नागरिकों को पता होनी चाहिए। जिनको जो छात्रों की समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है कि आखिरकार जो योगी सरकार है वो इन विद्यार्थियों के साथ में कर क्या रही है। नारेबाजी कहीं भी कम नहीं हुई, विद्यार्थी कहीं भी नहीं झुके, और विद्यार्थी इस बार आर पार की मूड में हैं। विद्यार्थी किसी से वार्ता भी नहीं करना चाहते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि हमको सीधे नियुक्ति पत्र चाहिए, ना ही कोई आश्वासन चाहिए और ना ही कोई बात। बैंक में भर के ले जाया जा रहा है इको पार्क, हम लोगों को यूको पार्क ले जाया जा रहा है। अधिक से अधिक लोग शेयर कर दें, प्लीज शेयर कर दें। घर पे बैठ के आप शेयर तो कर ही सकते हैं ना, जिससे कि लोग देख सकें कि किस प्रकार हम लोग लड़ रहे हैं। आपकी बात सरकार, चलो ये देखिए हमारे साथियों को आगे गाड़ी में ले जाया जा रहा है, और हम लोग बराबर मोटरसाइकिलों से पीछे आ रहे हैं। बराबर भाई, बराबर तो एक बात नहीं करते। तो बहुत सारे छात्रों को तो अंदर ही नहीं जाने दिया गया इको पार्क में, और बहुत सारे छात्रों को तितर बितर कर दिया पुलिस ने आज। फिर भी कुछ छात्र जिनको पुलिस पकड़ करके लाई थी वो इको गार्डन में अभी भी मौजूद हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पीछे हटने वाले नहीं हैं, और चाहे सरकार कुछ भी करे, लेकिन हमारी मंसूबे रोक नहीं सकते।
जाती है, क्योंकि जहां युवा खड़ा होता है, जब युवा खड़ा होता है वह सरकार से भी बड़ा होता है। हम इसी के तहत सभी साथी आगे जाएंगे, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो भी निर्णय उसमें वो नया विज्ञापन देने की बार बार जो है लॉलीपॉप देती है, और हम लोग 97,000 वो खुद बोले हैं हमें उसका रोजगार चाहिए, वो 97,000 का विज्ञापन निकाले सबसे पहली बात। और हम सभी साथी देखिए, हमारे तमाम साथी, एक बार कैमरामैन आप इधर दिखाएंगे भाई साहब, हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम छोटे भाई पूरी तरीके से बेहाल है। और उन्होंने स्वयं कहा है कि 1.5 लाख पद हमारे यहाँ खाली है, और कोर्ट का निर्देश भी है कि विज्ञापन आप जारी करें। आखिर आप किस संकोच में, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय कहते हैं जब मैं अब आपको रोजगार दूंगा मुझे वेतन देना पड़ेगा, आखिर आप वेतन अपने घर से दे रहे हैं क्या? आप वेतन देने से क्यों करते हैं? मैं यह चाहता हूँ कि 97,000 हमारे तमाम परेशान है, और 97,000 का विज्ञापन नहीं आता है तो हम सभी साथियों के साथ यहीं पर अनशन पे बैठेंगे, और तब तक साथ नहीं छोड़ेंगे अपने छोटे भाइयों का जब तक हम लोग रोजगार ले नहीं लेंगे। देख रहे हैं विद्यार्थियों की आक्रामकता, और ये थे एक्सट्रीम कोचिंग के अमित यादव प्रयागराज से। तो बहुत सारे अलग अलग जिलों से जो विद्यार्थी आए हुए हैं, फिलहाल जो है इको गार्डन में छात्रों को बिठाया गया, और इसके बाद में अब चर्चा कर लेते हैं जो आरक्षण को लेकर के 22 तारीख से विद्यार्थी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज वार्ता हुई है मंत्री जी से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि 4 दिन में जो है ये आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा, और देखते हैं इसमें क्या से क्या हो सकता है। यहाँ पर आपको ये बताएंगे अमरिंदर सिंह बाहुबली हैं जो 22 तारीख से वहाँ पर डटे हुए हैं। मंत्री जी ने अपना सिस्टम शुरू किया कि नहीं क्या है, तुम लोग हमें बदनाम कर रहे हो, क्या है, कैसे हमारी छवि इतनी खराब हो रही है, तमाम जितना यहाँ हो रहा है सब उनको पता है, लेकिन बस इतना नहीं पता था कि आयोग ने कोई रिपोर्ट दिया है। एक्चुअल ये बहकाने की बात है, इस बात पे भी हम लोगों ने उतने ही जोरदारी से काउंटर किया जैसे बाहर चिल्ला रहे थे। डीजी है गए गए, तुम लोग अधिकारी मंत्री से ऐसे बात करोगे? हम लोग का एकदम बिल्कुल हम लोग पीड़ित है, अगर ये स्थिति नहीं होती तो महोदय आपको 4 दिन पहले 22 तारीख से ही आपको बताया जा रहा है ये बात, और आप बोले हैं कि 2 दिन में हम रिपोर्ट मंगवा लेंगे या फिर क्या करेंगे कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये कहा कि स्पष्ट रूप से मैं आज अपने पर्सनल सेक्रेटरी डीजी बघेल और सर्वेंट विक्रम को मैं बोल रहा हूं कि ये चाहे जैसे आनंद फानंद में लाएंगे नहीं लाएंगे, हम बात करेंगे कैसे करेंगे, ये हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए कि देखिए हमारी छवि को इतना ना खराब करिए, हमने 2-2 बड़ी बड़ी भर्तियां की है। तो मंत्री जी ने कहा है कि हम सभी अधिकारियों से वार्ता करेंगे, इसमें क्या मामला है क्या नहीं है हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है, और 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन में जो आपकी समस्या है उसका निस्तारण हो सकेगा तो करेंगे। और तो देखते हैं कि ये कोरा आश्वासन है या वास्तव में सरकार इस पर निर्णय लेती है या नहीं लेती है। और लेकिन विद्यार्थियों का जो धरना प्रदर्शन था वो अभूतपूर्व था। बात कर लेते हैं UP SSC PET आवेदन की। विद्यार्थी लगातार इसके लिए भी मांग कर रहे हैं कि PET में पुनः विंडो खोल जाए और इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। 6 तारीख को युवा मंत्री ने जैसे कि कहा था कि पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो विद्यार्थी हैं वो ज्ञापन देंगे अपने जिलाधिकारियों को, और वहां पर मांग करेंगे कि PET में इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। जानकारी ये मिली है कि ये बात है सरकार के संज्ञान में आ चुकी है और सरकार इसके बारे में विचार विमर्श भी कर रही है, ऐसी चर्चा मीडिया से निकल करके आ रही है और मुझे जानकारी मिल रही है। वो एक अलग बात है कि क्या होगा, क्या निर्णय लेगी, यस या नो क्या करेगी, मतलब मौका देगी या मौका नहीं देगी, ये एक अलग बात है। लेकिन ये बात निश्चित है कि सरकार इस बात को अच्छी तरीके से जान चुकी है कि काफ़ी संख्या में जो विद्यार्थी है वो इसमें चूक गए हैं और वेबसाइट या सर्वर की कमी की वजह से विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए हैं। चर्चा चल रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन छात्रों ने निर्णय लिया, छात्र इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि आखिरकार सरकार कब इस पर ध्यान देगी, और जो चयन बोर्ड है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन बोर्ड वो इस पर कब निर्णय लेगा। विद्यार्थी अब कोर्ट जाने का निर्णय विद्यार्थियों ने ले लिया है, विद्यार्थी PET में आवेदन करने के लिए कोर्ट जा रहे हैं, और जानकारी ये मिल रही है कि अगले सोमवार को इसकी जो फाइल है वो पड़ जाएगी। विद्यार्थी कोर्ट कचहरी से बचना चाहते थे, विद्यार्थी पहले चाहते थे कि सरकार या जो उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग है वो अगर मौका दे देता तो विद्यार्थियों को कोर्ट
के चक्कर नहीं लगाने पड़ते, विद्यार्थी कोर्ट नहीं जाते, लेकिन सरकार ने नहीं माना और आयोग के कर्मचारियों ने साफ साफ मना कर दिया और इसी की वजह से विद्यार्थियों ने निर्णय लिया कि विद्यार्थी अब कोर्ट जाएंगे। फिलहाल कल पूरे प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो सब अपने अपने जो जिला मुख्यालय है वहाँ पर जाएंगे और जो विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हों और आवेदन ना कर पाए हों वो विद्यार्थी भी कल जाएं अपने अपने जिलों में। कहीं इलाहाबाद आने की ज़रूरत नहीं है, लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग वहीं पर जाकर के जो अधिकारी हों वहाँ के संबंधित वहाँ पर आप जाकर के ज्ञापन दे सकते हैं। ये निर्णय युवा मंच ने लिया था और युवा मंच ने इसके लिए आह्वान भी किया है। ये तो युवा मंच की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि वास्तव में प्रदेश में ना तो रोजगार सृजन हुआ है और ना ही 5 लाख से ज़्यादा बैकलॉग को भरने के लिए कुछ भी किया गया है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 97,000 पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए युवाओं को सरकार की ओर से आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन एक तरफ युवाओं को आश्वासन दिया जाता रहा वहीं दूसरी ओर 10,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी संस्तुति राजीव कुमार की कमेटी ने कर भी दी है। उन्होंने कहा कि सरकार की दमन की इन कार्रवाइयों से युवा ना तो डरने वाला है और ना ही इनके प्रोपेगेंडा के झांसे में आने वाला है। रोजगार और 5 लाख रिक्त पदों के बैकलॉग को भरने का सवाल अब युवा चुनाव में मुद्दा बनाएंगे। और कल पीईटी में आवेदन की तिथि बढ़ाने और जेई 2016-18 समेत सभी लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा करने को लेकर के जिलाधिकारी प्रयागराज के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा, भवदी ईशान युवा मंच। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से विद्यार्थियों को सरकार की ये जो कार्रवाई है इसकी जानकारी हो सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत